दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी। सीएम आतिशी ने मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चुनौती दी। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राउज रेवेन्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस साल 28 मई को आतिशी को समन जारी किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सुमित, क्या आपके पास और डिटेल्स इसको लेकर? देखिए, आतिशी के खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा है, जो शिकायत है, वो बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर की थी। इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आतिशी को समन जारी किया था। उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में आतिशी ने चैलेंज किया है और आज बकायदा आतिशी की याचिका पर सुनवाई हुई है और सेशंस कोर्ट ने शिकायतकर्ता जो बीजेपी नेता है उनको नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट को अब ये तय करना है कि क्या आतिशी को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा या नहीं। ये इस पूरे मसले को लेकर 7 अक्टूबर को जो सुनवाई है उसमें सेशंस कोर्ट तय करेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट में आतिशी को पेश होना होगा या नहीं। तो 7 अक्टूबर को शिकायतकर्ता को सेशन कोर्ट में जवाब देना होगा। उसके बाद एक बार तुम्हें जल्दी से दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में बताते चलो और ये भी बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया हो चुकी है। देखिए, फिलहाल ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था आतिशी को इस पूरे मानहानि के मामले में। ऐसे में इस समन को बकायदा उन्होंने सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया है और कहा है कि समन को रद्द किया जाए। इस समन के खिलाफ जो है आज सेशंस कोर्ट ने शिकायतकर्ता जो बीजेपी नेता हैं प्रवीण शंकर कपूर, उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पूछा है कि जो आतिशी मांग कर रही है उस पर आपका क्या कुछ रुख है। तो इस पूरे मसले को लेकर शिकायतकर्ता को जवाब देना होगा 7 अक्टूबर तक और 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले को अगली सुनवाई सेशंस कोर्ट करेगा। अगली सुनवाई में कोर्ट को तय करना है कि क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आतिशी को पेश होना है या नहीं। इस पर एक बड़ा आदेश जो है वो प्रवीण शंकर कपूर के जवाब आने के बाद जो है वो सेशंस कोर्ट दे सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आतिशी के खिलाफ मानहानि का ये पूरा मामला और इसी को लेकर के जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। सीएम आतिशी की तरफ से दरअसल इसको चुनौती दी गई थी। बीजेपी के नेता ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी और इसी पूरे मामले को लेकर के ये अपडेट सामने आया है।